कि सबसे लोएस्ट ब्रांच जो है, सबसे नीचे वाली ब्रांच का क्या कट ऑफ गया था, या सब बैंक कम है, और जो कि एनआईटीज के अंदर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक देखोगे सारी की सारी डाउट, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। आगे बढ़ता हूँ, एनआईटी ट्रिची के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। एनआईटी ट्रिची आपकी जो है कहीं ना कहीं 43,000 रैंक पे क्लोज हो गई थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जो कि सिविल ब्रांच यहाँ पे मिली थी। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 39,000 तक, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ओबीसी कैटेगरी को 55,000 तक सिविल इंजीनियरिंग यहां पे मिली थी होम स्टेट वालों को। वहीं अगर अदर स्टेट की बात करें तो 29,000 तक यहां पे जनरल वालों को प्रोडक्शन मिली थी, ईडब्ल्यूएस को 45,000 और ओबीसी को 40,000 तक प्रोडक्शन ब्रांच यहां पे मिली थी। एनआईआरएफ रैंकिंग त्रिची की यहां पे 8 है। उसके अलावे अगर मैं सेकंड नंबर एनआईटी की बात करूं तो वो आ जाता है एनआईटी सूरतकल, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आपकी 10 रहती है। और यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसकी कट ऑफ सबसे नीचे तक जाती है, जो कि आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो 65,000 तक ओपन को मिली है, 5,57,135 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को मिली है। यानी कि अगर आप कर्नाटका के ईडब्ल्यूएस हो तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है यहाँ पे एनआईटी सूरतकल के अंदर, यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग मिली है 5,00,000 रैंक तक। उसके बाद ओबीसी को सेम चीज 97,000 तक मिली है। उसके बाद एससी कैटेगरी को 1,75,000 तक, मेटलर्जी ब्रांच यहां पे मिली है होम स्टेट वालों को, माइनिंग इंजीनियरिंग मिली है एसटी को 1,70,000 तक। उसके बाद अदर स्टेट की मैं बात करूं तो वही माइनिंग इंजीनियरिंग जो है 30,000 तक जनरल के लिए क्लोज हो गई, 45,000 तक ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज होगी और 40,483 तक ओबीसी एनसीएल के लिए यहां पे क्लोज हो गई। तो ये एनआईटी सूरतकल की हमने बात की। इसके अलावा और कॉलेजेस आते हैं, जैसे एनआईटी राउरकेला हो गया आपका। एनआईटी राउरकेला की मैं बात करूं तो यहां पे लाइफ साइंस ब्रांच आपको 2,79,000 रैंक तक यहां पे होम स्टेट वालों को मिली है जनरल को, 1,66,000 तक केमिस्ट्री जो कि 5 ईयर का कोर्स है इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1,66,000 तक मिली है जो कि राउरकेला के है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी को 5,86,000 तक लाइफ साइंस ब्रांच मिली है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी को, जो कि होम स्टेट से है। वही चीज मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अदर स्टेट से हो, उड़ीसा से नहीं हो, फिर आपको 85,000 तक लाइफ साइंस मिलेगा, 1,07,000 तक ईडब्ल्यूएस को और 1,17,000 तक ओबीसी को, एससी कैटेगरी को 2,00,000 तक और एसटी कैटेगरी को 3,00,000 तक ये चीजें मिल रही होती है, ठीक है। तो ये एनआईटी राउरकेला की हमने बात की। इसके बाद आता है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल के अंदर भी आपको केमिस्ट्री ब्रांच यहाँ पे 84,116 रैंक तक देखने को मिल जाती है, जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस को 1,19,000 तक, 1,05,000 तक आपको ओबीसी एनसीएल को देखने को मिल जाता है। एनआईआरएफ यहाँ की 21 है, 2,12,000 तक यहाँ पे एससी कैटेगरी को फिजिक्स ब्रांच मिल जाती है, जो कि 5 साल का कोर्स रहता है बीएससी प्लस एमएससी का। एसटी कैटेगरी को बायोटेक मिल जाता है 1,27,000 तक। ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ, इससे आगे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2,00,000 तक यहाँ पे मिल रही है तो हो सकता है कि 2,20,000 तक इस साल मिल जाए, 2,30,000 तक मिल जाए, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो उससे भी पीछे मिल जाए। लेकिन ये लास्ट ईयर का कट ऑफ, जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की क्या रही है इन कॉलेजेस की, इन एनआईटीज की बेसिकली। उसके बाद अदर स्टेट के अंदर 63,000 तक जनरल के लिए क्लोज हो जाती है केमिस्ट्री, ईडब्ल्यूएस के लिए 67,000, ओबीसी के लिए 66,000 और एससी कैटेगरी के लिए 1,73,000 तक। इसके बाद एनआईटी कालीकट की मैं बात करूं तो एनआईटी कालीकट के अंदर अगर आप होम स्टेट से हो, फिर यहाँ पे मटेरियल साइंस की ब्रांच यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 87,000 तक यहाँ पे मिल जाएगी, 3,95,000 तक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को मिली है। ये कोई एक लकी बंदा होगा जिसको यहाँ पे 3,95,000 पर होम स्टेट कैटेगरी से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सीएससी ब्रांच मिल गई सीसैप राउंड के अंदर। वही ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिली है 1,00,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी को 4,58,000 रैंक तक प्रोडक्शन मिली है, एसटी कैटेगरी को 1,35,000 तक केमिकल ब्रांच मिली है। सेम अदर स्टेट के लिए आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे चीजें आप पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। इसके बाद समझ लेंगे एनआईटी नागपुर की बात करेंगे, जो कि भी एनआईटी नागपुर के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग आपको 67,000 तक मिली है जनरल को यहाँ पे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस को 96,000 तक माइनिंग इंजीनियरिंग मिली है अगर आप होम स्टेट से यहाँ पे। इसके बाद ओबीसी एनसीएल को 77,000 तक मिली है माइनिंग इंजीनियरिंग, एससी को 1,47,000 तक मिली है अगर आप मुंबई से हो तो, ये चीजें आपके लिए सही रहती है महाराष्ट्र से अगर आप हो तो। अदर स्टेट के लिए सेम माइनिंग इंजीनियरिंग जनरल के लिए 56,000 पे क्लोज हो गई, 56,000 तक, 62,000 तक ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हो गई, ओबीसी एनसीएल के लिए 65,000, एससी के लिए 1,46,000 और एसटी के लिए 1,78,000 तक केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये मैंने बात की वीएनआईटी नागपुर की, तो ये चीजें भी आप यहाँ पे समझ रहे होंगे।
इसके बाद आ जाता है एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर जिसकी एनआईआर फ्रैंकिंग अपनी 34 है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है अपने वेस्ट बंगाल के अंदर। ये लोकेटेड है बायोटेक, यहाँ पे आपको 60,000 तक मिल जाते हैं अगर आप होम स्टेट से हो और जनरल कैटेगरी आपकी लगती है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 2,08,000 रैंक तक बायोटेक, जो कि 5 साल का कोर्स है यहाँ का, वो आपको मिल जाता है होम स्टेट से हो तो। ओबीसी एनसीएल को 1,62,000 तक यहाँ पे केमिस्ट्री मिल जाती है और एससी कैटेगरी को 1,55,000 तक बायोटेक मिल जाती है 4 साल वाला। ये जिसमें बायोटेक 5 ईयर्स लिखा है, ये 5 साल का कोर्स है, बाकी 4 साल के कोर्सेस हैं। अदर स्टेट के लिए भी सेम कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसको देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये जो एनआईटीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ टॉप के एनआईटीज है। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ लोअर एनआईटीज की, जहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चांसेस होते हैं कि बहुत कम कम रैंक पे भी आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाती है। जैसे मैं बात करूँ एनआईटी मेघालय की, एनआईटी मेघालय अगर आपका होम स्टेट रहता है मेघालय, फिर आपको यहाँ पे सिविल मिल जाती है 1,12,000 रैंक तक अगर आप जनरल हो। सिविल मिल जाती है ईडब्ल्यूएस को 76,000 रैंक तक, ये आपकी कैटेगरी रैंक नहीं है, ये आपकी जनरल रैंक में बात कर रहा हूँ। 2,44,000 तक एसटी कैटेगरी को मैकेनिकल मिल जाती है। वहीं अगर मैं अदर स्टेट कैटेगरी की बात करूँ, अदर स्टेट के बच्चों के लिए बात करूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग जनरल को 71,000 रैंक तक मिल जाती है, ईडब्ल्यूएस को 78,000 रैंक तक मिल जाती है, ओबीसी को 78,000 तक, एससी को 1,62,000, एसटी को 2,51,000 तक मिल जाती है। तो एनआईटी मेघालय भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 60 है और बहुत कमाल का क्रिस्टल क्लियर कैंपस आपको सामने दिख रहा होगा, कितना मजेदार है, इसको आप यहाँ पे फील कर सकते हो। एनआईटी पटना की भी मैं बात करूंगा, एनआईटी पटना अगर आप बिहार से हो तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो कि 5 साल का भी कोर्स यहाँ पे है और 1 4 साल का भी है, तो सिविल 5 साल वाला आपको 60,000 रैंक तक अगर आप जनरल हो तो मिल जाएगा। सिविल 4 साल वाला अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 59,000 तक आपको मिल जाएगा। सिविल 5 साल वाला अगर आप ओबीसी तो 61,000 तक मिल जाएगा। मटेरियल साइंस एससी कैटेगरी को 1,74,000, एसटी कैटेगरी को 2,78,000 तक मिल रहा होगा। वहीं अदर स्टेट वालों वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी यहां पे सहूलियत रहती है, 75,000 तक जनरल को यहां पे मटेरियल साइंस मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस को 77,000, ओबीसी को 83,000, एससी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 साल वाला 1,39,000 तक और 1,40,000 तक एसटी को मिल जाएगा। एनआईआर फ्रैंकिंग की 63 है, बहुत पुराना एनआईटी होने के बावजूद भी ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लेकिन रैंक आपकी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हवा महल जैसा इसका कैंपस, इतना भयानक सा आपको देखने को मिल जाता है पटना के अंदर। एनआईटी रायपुर का यहाँ पे कट ऑफ आपको सामने दिख रहा होगा, एनआईटी रायपुर के भी कट ऑफ को आप यहाँ पे देख सकते हो, चीजें समझ सकते हो। छत्तीसगढ़ के अगर आप हो तो होम स्टेट वाला ऊपर वाला कट ऑफ आप देखोगे, अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं हो तो नीचे वाला कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे होगा। इसके अलावा एनआईटी श्रीनगर की बात करूँ, यहाँ पे एडमिशन मिलना थोड़ा सा आसान रहता है, जिसकी एनआईआरएफ 66 है यहाँ पे। यहाँ पे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंसेज की ब्रांच यहाँ पे आपको 1,28,000 तक अगर आप जनरल हो होम स्टेट से हो फिर मिल जाती है, अगर आप जनरल हो होम स्टेट से नहीं हो तो 96,000 तक मिलती है। ईडब्ल्यूएस को सेम ब्रांच 98,000, ओबीसी को 1,00,000 तक और वही चीज एससी एसटी को लगभग 1,80,000, 1,02,00,000 तक आपको मिल जा रही होती है। तो ये चीजें एनआईटी श्रीनगर की रहती है। इसके बाद आ जाता है एमएनआईटी भोपाल आपका, जिसकी एनआईआरएफ 70 है, बहुत कमाल का एनआईटी ये रहता है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे अगर आप मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 64,000 रैंक तक यहाँ पे आपको मिल जाता है अगर आप जनरल हो। वही चीज ईडब्ल्यूएस को 85,000, ओबीसी को 1,04,000 और एससी को 1,58,000 तक मिल जाती है। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए 60,000 तक ये ब्रांच क्लोज हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 67,000, ओबीसी के लिए 68,000 और एससी के लिए 1,26,000, एसटी के लिए 1,73,000 तक क्लोज हो जाती है। अगरतला के एनआईटी अगरतला के अंदर यहाँ पे आपको केमिस्ट्री ब्रांच मिल जाती है अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 4,93,000 तक ये चीज आपको मिल जाती है। अगर आप होम स्टेट से हो एसटी कैटेगरी होम स्टेट वाले को 5,54,000 तक मैकेनिकल मिल जाएगी। अदर स्टेट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एनआईटी अगरतला के अंदर, लोग एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी रैंक कम होती है, एनआईटी अगरतला उनके लिए ऑप्शन होता है। केमिस्ट्री यहाँ पे 5 साल का कोर्स जो की है वो आपको मिल जाएगा 1,13,000 तक अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 1,29,000 तक, ओबीसी हो तो 1,18,000 तक, एससी को 2,16,000 तक फिजिक्स और एसटी को 3,27,000 तक केमिस्ट्री मिल जाएगा। ये आपके लिए एक शानदार सा ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी रैंक कमाई है 1,00,000 के आसपास है तो आप एनआईटी में जाना चाहते हो, बस एनआईटी का टैग चाहिए आपको, फिर आप जा सकते हो, यहाँ पे दरवाजा यहाँ पे आपके लिए खुला है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे हम लोग जंप करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एनआईटी गोवा के ऊपर। एनआईटी गोवा बहुत ज़्यादा
वाइड लोकेशन पे है, बहुत शानदार सा लोकेशन इसका है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच। AWS कैटेगरी को 62,000 तक मिल जाएगी, OBC NCL को 67,000 तक मिल जाएगी, होम स्टेट के बच्चे को। अगर अदर स्टेट से आप गोवा से नहीं है, गोवा से नहीं है तो आप जाना चाहेंगे ऑब्वियसली, तो सिविल इंजीनियरिंग आपको जनरल कैटेगरी से हो तो 55,000 तक, AWS को 68,000 तक, OBC को भी 68,000 तक, SC कैटेगरी को 140,000 तक मिल जाती है। NIRF रैंकिंग इसकी 88 है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, आप प्लेसमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस YouTube के अंदर यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, उसको आप देखेंगे। NIT गोवा के अंदर बहुत शानदार सा कॉलेज यहाँ पे रहता है। NIRF के रैंकिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कॉलेज कमाल का है, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कमाई है, 70,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है, मैकेनिकल सिविल ब्रांच को एम कर रहे हो, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं NIT जमशेदपुर के अंदर, झारखंड के अंदर बहुत कमाल का कॉलेज ये है। यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर आप होम स्टेट से हो तो ये आपको 55,000 तक मिल जाएगा जनरल को, AWS को 94,000 तक, OBC को 91,000 और ST को 159,000 तक। वही चीज अदर स्टेट के लिए, अगर आप मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंसेज इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो, अगर आप इस NIT के अंदर जाना चाहते हो, तो ये ब्रांच आपको 52,000 तक मिलेगी अगर आप जनरल हैं, AWS को 57,000, OBC को 67,000, SC को 144,000 तक। NIRF इसकी 90 है, ठीक है। इसके बाद NIT मणिपुर की बात करते हैं। NIT मणिपुर वादियों में ये कॉलेज रहता है आपका, बहुत कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है। यहाँ पे ECE ब्रांच आपको मिल जाती है 3,65,000 रैंक पे अगर आप होम स्टेट से हो, AWS को सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच 90,000 रैंक पे मिल जाती है, OBC को मैकेनिकल ब्रांच 5,69,000 रैंक तक मिल जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मणिपुर के जो बच्चे हैं ना, होम स्टेट कैटेगरी जिनकी लगती है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है। ST कैटेगरी अगर आप ECE ब्रांच को लेना चाहते हैं, 5,00,000 रैंक तक आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है। अगर वहीं मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि VLSI डिज़ाइन जो कि नई ब्रांचेज यहाँ पे आई है, 87,000 तक आपको मिल जाते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से, 87,000 रैंक तक, लगभग आपकी हो गई 91% के आसपास आपको मिल जाती है। 94,000 रैंक पे आप अगर EWS है तो सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, 7,00,000 रैंक तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाती है अगर आप OBC कैटेगरी से है, SC कैटेगरी को 1,74,000 पे सिविल और ST कैटेगरी को 2,00,000 पे यहाँ पे ECE मिल जाती है। इसकी NIRF आपकी 108 रहती है। इसके अलावा NIT हमीरपुर भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ की भी कट ऑफ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, इसको भी आप देखें और चीजों को यहाँ पे समझें। NIT उत्तराखंड भी आपके लिए एक ऑप्शन रहता है, NIT उत्तराखंड भी बहुत शानदार सा यहाँ पे कॉलेज रहता है, इसकी कटअप को भी आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट के कुछ NITs हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं। NIT मिजोरम की मैं यहाँ पे बात करूँगा। NIT मिजोरम जो है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट वालों को 84,000 तक मिल जाती है, AWS को 96,000 तक, OBC को भी सिविल इंजीनियरिंग 96,000 तक, ST को 1,66,000 तक, मैकेनिकल और ST कैटेगरी को 2,35,000 तक, EEE की ब्रांच यहाँ पे मिल जाती है। वही अदर स्टेट के जो बच्चे आते हैं ना, बाहर के बच्चे आते हैं, वहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी वालों को 94,000 तक मिल जाती है, EWS कैटेगरी को 99,000, OBC कैटेगरी को 97,000, ST को 1,76,000 और ST को 2,55,000 तक। इसको कोई NIRF रैंकिंग एलोकेट नहीं की गई है, तो इसमें आप ज़्यादा ध्यान नहीं। इसके बाद बात करते हैं NIT नागालैंड। NIT नागालैंड के अंदर अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ पे सिविल की ब्रांच जनरल कैटेगरी को 93,000 तक, EWS को 98,000, OBC को 96,000, SC कैटेगरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्रांच 1,68,000 पे और ST कैटेगरी को 2,81,000 तक मिलती है। NIRF इसको भी कोई एलोकेट नहीं की गई है, तो इसमें भी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। NIT आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो NIT आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको यहाँ पे होम स्टेट के अंदर बायोटेक की ब्रांच OBC कैटेगरी को 1,00,000 तक मिल जाती है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की ब्रांच SC कैटेगरी को 1,71,000 तक और वही ब्रांच जनरल कैटेगरी को 86,000 तक मिलती है। वही अगर मैं अदर स्टेट के लोगों की बात करूँ तो बायोटेक ब्रांच ST कैटेगरी को 2,36,000 तक, वही ब्रांच जनरल कैटेगरी को 78,000, EWS को 82,000, OBC को 89,000 तक यहाँ पे मिल रही होती है। NIRF इसको भी कोई एलोकेट यहाँ पे नहीं की गई है। तो ये मैंने टोटल बात की, जितनी भी NITs थी उनकी क्या क्लोजिंग रैंक रही है। ये सारी की सारी जो PPT है ना, ये आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख के आराम से चीजों को समझो, अच्छे से सोचो। पूरा अभी आपके पास पूरा समय पड़ा है सोचने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप देखो कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्या जो मैंने यहाँ पे लिखी है जो बातें हैं उसको आप
इस वेबसाइट पे जाके जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, पीडीएफ के ऊपर जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे, पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक करोगे इस पेज पे, तो आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा collegemitra.net/predictor.html के ऊपर। वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी, अपना जेंडर, अपनी काउंसलिंग को सिलेक्ट करोगे। काउंसलिंग के अंदर तीन ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तीन ऑप्शंस होंगे आपके पास, UPTU, MPDT और CSAP का। जिस भी काउंसलिंग से आपको कॉलेज प्रिडिक्ट करना है उसको आप डालोगे, ऑल भी डाल सकते हो आप। रैंक को अपने एंटर करोगे और प्रिडिक्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपको जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे हो सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत इफिशियंट टूल है, बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत भयानक टूल है, इसको आप यहाँ पे यूज़ करें और आपकी जो काउंसलिंग जर्नी है बहुत ईजी, बहुत स्मूथ, बहुत आसान यहाँ पे होने वाली है इस प्रिडिक्टर टूल की हेल्प से। तो जरूर विजिट करें इस चीज़ को एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चले। और आप हमें सजेस्ट करें कमेंट के अंदर कि क्या हमें और भी वीडियोस लाने चाहिए, जैसे कि IIITs की क्लोजिंग रैंक कितनी जाती है, GFTIs की कितनी जाती है, या फिर CSE ब्रांच कहाँ पे क्लोज हो रही है, कौन सी NIT के अंदर। तो ये सब बातें आप जरूर से सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके ऊपर भी वीडियोज़ वगैरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और आप लोगों को इस चीज़ की हेल्प यहाँ पे जरूर से मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए।